मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आप और आपके पूरे परिवार को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए अब नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। देखिए सबसे अच्छी खबर तो यह है कि राजस्थान में अब लगातार कोरोना के केसों में कमी आ रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौतों का आंकड़ा एक बार फिर डराने लगा है। बीते 24 घंटों के दौरान 9771 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 24 घंटों के दौरान 22 लोगों की जान चली गई। राज्य में मंगलवार को सबसे अधिक 2140 नए मामले जयपुर से मिले हैं, वहीं जयपुर में मौतों का आंकड़ा भी अब दोगुना बढ़ गया है। 24 जनवरी को जयपुर में जहां 4 की मौत हुई थी, वहीं मंगलवार को 8 मरीजों ने दम तोड़ा। राहत की बात तो यह है कि अब प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा भी घटने लगा है। सोमवार को राज्य में जहां 93,502 एक्टिव केस थे, और अब 92,692 एक्टिव केस रहे हैं। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, 30 जनवरी के बाद शहरी क्षेत्रों में स्कूल दोबारा खोलने को लेकर शिक्षा विभाग फिलहाल बड़ी दुविधा में है, क्योंकि कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पाने के कारण विभाग चिंतित दिखाई दे रहा है। शिक्षा विभाग, जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकेगा। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा है कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कोरोना की स्थिति नियंत्रण होने पर ही स्कूल खोलने में कोई ठोस फैसला लेने पर विचार होगा। और उन्होंने यह भी कहा है, ग्रामीण इलाकों में यदि महामारी का संक्रमण फैलता है तो वहाँ स्कूल बंद किए जा सकते हैं। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के 10 लाख से ज्यादा बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परिणाम में करीब 11,000 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आपको बता दूं, पटवारी भर्ती परीक्षा में 5378 पदों के लिए भर्ती निकाली गई, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए 232 पद बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर में 5610 पदों पर पटवारियों की भर्ती की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पहली बार सीसीटीवी कैमरे में राजस्थान की धरती पर आसमान से गिरता उल्का पिंड कैमरे में कैद हो गया है। दुनिया भर में इससे हलचल मच गई है। वैज्ञानिकों की निगाहें नागौर की बड़ायली और उसके 40 किलोमीटर दायरे के 15 गांव में 3 जनवरी को ही इस रोमांचक घटना के बाद हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड से जुड़े कई राज इन पत्थरों में छुपे हैं और इनकी कीमत भी करोड़ों रुपए में है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। केंद्रीय मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राजस्थान में कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन के साथ ही कई जगह पर कोहरा भी छाया रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक गहरा कोहरा भी छाया रह सकता है। वहीं पूरे राजस्थान में अगले 2-3 दिन ठंडी हवाएं चलती रहेगी, लेकिन दोपहर में लोगों को अब सर्दी से छुटकारा मिलने वाला है। एक और बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित परेड में देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां निकलती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के जश्न का नजारा इस बार काफी खास होगा, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई देगी और कुछ परंपराओं में बदलाव भी दिखाई देगा। आज फ्लाई पास्ट में पहली बार एक साथ 75 लड़ाकू विमान उड़ेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लिए कई बड़ी घोषणाएं और ऐलान कर सकते हैं। एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।